बात कर लेते हैं आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं, जिसमें टॉप चार जो टीमें हैं इस वक्त पॉइंट्स टेबल में बहुत ज़्यादा चेंजेज अभी तक नहीं आया। पिछले हफ्ता भी वही कंडीशन थी और इस हफ्ते भी यही कंडीशन चलती हुई नजर आई। सिर्फ अगर चेंज हुआ है तो जो चेन्नई सुपर किंग नंबर 3 की पोजीशन में थी वो जाकर के नंबर 4 पर पहुंच गई है, और जो केकेआर टॉप पर पहुंची थी, पहले राजस्थान रॉयल्स टॉप पर थी तो केकेआर ने उसे रिप्लेस किया था। नंबर 2 पर राजस्थान पहुंची थी, लेकिन इसके बाद केकेआर को चेन्नई सुपर किंग ने हराया है और केकेआर नंबर 2 पर पहुंची है पॉइंट्स टेबल में, राजस्थान रॉयल्स टॉप पर पहुंच चुकी है। नंबर 3 पर लखनऊ सुपर जायंट्स है। इस टीम ने चौंकाया जरूर है, नो डाउट ये टीम बहुत बेहतर है, बैलेंस टीम है। इसकी अगर बैटिंग करें तो वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं, गेंदबाजी बहुत ही जबरदस्त इस टीम की नजर आ रही है, इसलिए टीम अब अच्छा कर रही है। और 160 के लगभग जो डिफेंड किया है उससे इस टीम के अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस भी आया है। तो कप्तान केएल राहुल की अगुवाई में जो लखनऊ सुपर जायंट्स है वो बेहतर करती हुई नजर आ रही है। और जहां तक नंबर 4 की बात करें तो मैं थोड़ा सा मुझे शौक जरूर है, आप लोगों को पता नहीं होगा या नहीं होगा, चेन्नई सुपर किंग जो टॉप 4 में लगातार बनी हुई है इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। चेन्नई सुपर किंग की टीम उतनी ज्यादा मुझे बैलेंस नजर नहीं आती है, हो सकता है अगले हफ्ते बाहर हो जाए। लेकिन अगर और 2 ऐसी टीमें हैं जिनको देख करके आप भी जरूर परेशान रहेंगे आखिर ये टॉप 4 में क्यों नहीं है, वो है पंजाब किंग्स और एक है सनराइजर हैदराबाद है। इस आईपीएल 2024 में बहुत ही जबरदस्त दोस्तों टीमें हैं, और एक आधा जो इन्होंने मुकाबले जो जीते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से जीते हैं, उसी बेस पर मुझे लगता है कि अगर उसी टीम यूनिट के साथ लगातार खेले और गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया जैसी चलती रही है वैसी की, तो किसी ऊपर की जो 2 टीमें हैं उनको बाहर कर देगी। और यहां पर मुंबई और आरसीबी के लिए, जो आरसीबी बहुत नीचे है, मुंबई टॉप पर नीचे से टॉप कर रही थी, नंबर 10 पर थी, वो 8 पर है पहुंच चुकी है, आरसीबी नंबर 9 पर बनी हुई है, दिल्ली नंबर 10 पर है। दिल्ली कैपिटल्स जिसने आज तक अभी आईपीएल खिताब नहीं जीता वो 10 पर पहुंच चुकी है, नीचे से जीतती हुई नजर आ रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि जो ऊपर की जो टीमें हैं, इन टीमों में अगर मैं बात करूं तो उसमें चेन्नई और लखनऊ 2 ऐसी टीम है, इसी रुकिए एक हफ्ते के बाद लखनऊ और चेन्नई ऐसी 2 टीमें हैं जो नीचे नजर आएंगे, टॉप 4 से बाहर आएंगी, और जो अभी बहुत नीचे है इसमें देखें अगर वो सनराइजर हैदराबाद हो सकती है, पंजाब या मुंबई या फिर दिल्ली, ये 4 ऐसी टीमें हैं जो इन 2 टीमों को रिप्लेस करके ऊपर जाकर के बैठेंगी। यकीनन तौर पर आप मान करके चलिए ये बहुत ही जबरदस्त है, और आईपीएल 2024 में बहुत सारे अभी चेंजेस होने वाले हैं जो पॉइंट्स टेबल की जहां तक बात है, तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है और इस बार आईपीएल 2024 में कौन सी टीम